अरे बॉल ना मिली क्या? बॉल तो मिल गई, रोड पर कोई पड़ा है। रोड पर कौन पड़ा है? चलो चलो अंदर चलो, कोरोना हो जाएगा। हाँ मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, क्या पता इसे कोरोना पॉजिटिव हो और वो वायरस आप में भी फैल जाए। अगली बार से सावधान रहना है, स्टे होम स्टे अलर्ट, आप इन्हें ले जा सकते हो। अच्छा तो भाईजान आप लेके गए थे इन्हें? नहीं तो क्या, वहाँ इतना इसको तो छोड़ के भाग जाते। जान मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि इन्हें आप लेकर के गए थे। बस बस हमें कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। और तुमसे बेकार आदमी मैंने आज तक इस धरती पे नहीं देखा। दिक्कत में पड़े आदमी को तुम ऐसे ही छोड़ के चले गए, क्या तुम्हारा मजहब तुम्हें यही सिखाता है? तुम जैसे लोगों की वजह से ही तुम्हारा मजहब बदनाम है। क्या तुम्हारा मजहब तुम्हें यही सिखाता है, एक दिक्कत में पड़े आदमी को तुम यूं ही छोड़ के चले गए? वैसे तो तुम सुबह शाम नमाज पढ़ने जाते हो। अरे डरो डरो उस खुदा से डरो। अरे मेरी बात क्या बात है? अरे तुमने सुनी इस गरीब की? इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। ये तुम्हारे धर्म का होता तब भी तुम इसको ऐसे छोड़ के चले जाती? क्या तुम्हारे धर्म में यही सिखाया जाता है? बस भाईजान बस। अरे हाथ क्यों उठा रहे हो? अरे तुम झगड़ा किस बात का है? एक लाचार बेबस आदमी रोड पर पड़ा था और ये उसको देख के भाग गया, इसलिए कि ये इसके मजहब का नहीं था। मैं ये बात मान ही नहीं सकता क्योंकि धन्यवाद भाई साहब आपका। और यार आप मेरी वजह से यार आपका मास्क भी नाली में गिर गया यार। नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, आप जाइए आराम से। अच्छा तो इससे पूछो इसको देख के भागा क्यों? अच्छा तुम भागे क्यों थे? मैं इतनी देर से इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये भाईजान मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा तो ऐसी क्या बात है जो तुम हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे? क्या हमने आंखों से देखा नहीं? भाईजान मैं वहां से भागा जरूर था पर मेरी वजह से यार आपको मार्क्स भी नाली में गिर गया यार। नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, आप जाइए आराम से। इन भाई जान
भाईजान की तो तबीयत बहुत खराब लग रही है और मेरा मार्क्स भी नाली में गिर गया है। रहम करना ऐसे नेक बंदों पर। भाई हमने आपको जाने अनजाने में जो भी भला बुरा कहा उसके लिए हम दिल से सॉरी चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलती का एहसास हुआ यही बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं भाई, जो भी हमने अभी तक देखा उससे ऐसा लग रहा था इस जमाने में इंसानियत नाम की चीज खत्म हो, पर भाई तुमने हमारी आंखें खोल दी, हम दिल से माफ कर देना।